मझला पुलिस ने चौथे दिन ही छात्र की हत्या कर शव गन्ने के खेत में फेंकने वाली वारदात का खुलासा कर लिया है। पुलिस ने पारा तिराहे पर घेराबंदी कर हत्यारोपी को दबोच लिया। उसकी निशानदेही पर खेत में छिपाया गया बांका भी बरामद कर लिया गया है। एसपी श्री गोस्वामी ने खुलासा करने वाली मझला पुलिस टीम को 10,000 रुपए का इनाम दिया है। एसपी केशव चंद्र गोस्वामी ने बताया कि 26 सितंबर को मझला थाने के नई बस्ती मचरा पारा निवासी रामबचन के 15 वर्षीय पुत्र मुकेश का शव शहाबुद्दीन के गन्ने के खेत में पड़ा हुआ देखा गया था। मझला पुलिस ने शुक्रवार को पारा तिराहे के पास घेराबंदी कर हत्यारोपी इस्माइल उर्फ नंगा पुत्र शहाबुद्दीन निवासी मुजाहा थाना मझला को दबोच लिया और उसकी निशानदेही पर खेत में छिपाया गया बांका भी बरामद कर लिया गया। बताते चले कि शव बरामद होने के बाद कराए गए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में गला काट कर हत्या किए जाने की बात कही गई थी। इसके अलावा उसके सिर पर भी धारदार हथियार से वार किए जाने के निशान पाए गए थे। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धारा 302 का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वही इसका पता होते ही वहां पहुंचे एसपी केशव चंद्र गोस्वामी ने हर एक पहलू से जांच की और खुलासे के लिए 3 टीमों को लगाए जाने के निर्देश दिए थे। उसके बाद से पुलिस की टीमें खुलासे के लिए जुट गई। एसपी श्री गोस्वामी ने आगे बताया कि पुलिस की टीमें ऑपरेशन दृष्टि के तहत सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाल रही थी। उसी कड़ी में करावा के जनसेवा केंद्र में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखे गए, जिसमें वारदात वाले दिन इस्माइल करावा की बाजार में था, जबकि उसके घर वालों ने उसके गांव में होने से इनकार किया था। शुरुआती छानबीन में वारदात को अंजाम देने में इस्माइल का हाथ होना सामने आ रहा था। पुलिस की जांच भी उसी तरफ हो रही थी। मझला पुलिस ने एसपी श्री गोस्वामी की बताई हुई गाइडलाइन पर चलते हुए चौथे दिन ही वारदात का खुलासा कर लिया। एसपी केशव चंद्र गोस्वामी ने खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 10,000 रुपए का इनाम दिया है। कैसे की गई? दिनांक 26/9/23 को एक बच्चे की लाश जो 15 वर्षीय है, उसका नाम है मुकेश पुत्र रामबचन निवासी ग्राम नई बस्ती थाना मझला की एक गन्ने के खेत के बगल में सटे हुए खेत में झाड़ियों में उसका शव मिला था, जिसके सिर पर खून के निशान थे, चोट के निशान थे। उनके पिता द्वारा थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 414/23 धारा 302 IPC बनाम अज्ञात के पंजीकृत कराया गया था। हमारी पुलिस द्वारा टीम बनाई गई और इसकी विवेचना शुरू हुई। विभिन्न एंगलों पर देखा गया तो पता चला कि गाँव में एक व्यक्ति ने जहाँ पर शव मिला था वो गन्ना बोया था और कुछ लड़के उनके गन्ने को तोड़ते थे, जिससे वो रखवाली निरंतर करते थे और बड़े नाराज रहते थे। जो मृतक है इसका भी शिकायत थी कि एक बच्चे के साथ ये भी जाता है, कभी कभी तोड़ लेता है, और उस दिन भी ये बच्चा तोड़ने गया था गन्ना। तोड़ने के दौरान अकेला ही था, साइकिल थोड़ी दूर खड़ी थी उसकी, और अभियुक्त द्वारा अपने हाथ में लिए गए इस बांके से इसको सिर पर प्रहार किया गया, जिससे उसकी वहाँ पर मृत्यु हो गई। अभियुक्त द्वारा पहले इनकार किया गया कि मेरे द्वारा यह घटना नहीं की गई, उस दिन मैं गांव में था ही नहीं, लेकिन पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश के निर्देशन में जो ऑपरेशन दृष्टि का अभियान चल रहा है उसके तहत जब जांच की गई और विभिन्न कैमरों को चेक किया गया तो उस दिनांक को ये लड़का जनसेवा केंद्र से पैसे लेते हुए पाया गया था, जिसके आधार पर फिर पुनः क्रॉस वेरिफिकेशन हुआ तो इन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया कि ये गन्ना तोड़ने के लिए इन्होंने इसकी हत्या की थी। और ये जो टीम हमारी लगी, इन्होंने गहन पूछताछ से इसको खुलासा किया, इसके लिए इनको पुरस्कार भी दिया जा रहा है।